जिसमें कितने पोएम है, जिसमें 68 पोएम्स है। कितने पोएम्स है, 68 पोएम्स। ये जो पोएम है, पोएम कलेक्शन है, इसमें जितने भी पोएम है ये बायलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश में भी लिखा गया है और स्पेनिश में है। एक्चुअली इसका जो इंग्लिश है, एस्टा भगारिया में जितने भी पोएम्स है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे कौन, एलास्टियर रेज। कौन किए थे, एलास्टियर रीड। इन्होंने क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे, ये जो स्पेनिश पोएम थे, स्पेन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में। और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमारे किताब में है, ये कौन किए थे, एलास्टियर रीड, है ना। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, स्पेनिश में नहीं पढ़ेंगे। और एक बात, पाब्लो नेरुदा पोएट्री के लिए, कविता लिखने के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इनको मिला था 1971 में। He won Nobel Prize in 1971 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में सबसे अच्छा जो प्राइज है, सबसे वैल्यूएबल जो प्राइज है, उसको बोला जाता है नोबेल प्राइज। और ये उनको मिला था 1971 में, किस लिए, फॉर राइटिंग पोएट्री। ही वॉज अ पोएट डिप्लोमेट। डिप्लोमेट कौन होते हैं, कूटनीतिविद, जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल काम भी करते हैं देश का। तो ही वॉज ए पोएट डिप्लोमेट एंड ही वॉज ऑल्सो एन एम्बेसडर। क्या थे, एम्बेसडर मतलब राष्ट्रदूत, राजदूत थे, जो बहुत सारे देश में गए थे, बहुत सारे कंट्री में गए थे। वो फ्रांस गए थे, वो मेक्सिको गए थे, वो स्पेन भी गए थे। कौन, पाब्लो नेरुदा, किस काम से, एज एन एम्बेसडर ऑफ चिली। चिली का एम्बेसडर के रूप में वो गए थे फ्रांस और मेक्सिको, स्पेन, वो घूमते रहते थे। हिज लाइफ वॉज वेरी बिजी, बहुत बहुत बिजी था उनका लाइफ। क्या क्या थीम था, किस कौन कौन थीम सब्जेक्ट मैटर में वो लिखते थे, वो व्हाट वर द थीम्स ऑफ पाब्लो नेरुदास पोएट्री। क्या क्या थीम था, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में लिखते थे, नेचर, लव, है ना। और बहुत सारे जो कॉमन चीजें हैं जो डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसा कैट, जैसा बुक, किताब, ये सब चीजों के बारे में भी वो लिखते थे। कौन, पाब्लो नेरुदा, ही इज द पोएट ऑफ आवर पोएम कीपिंग क्वाइट। अंडरस्टूड, आप चलते हैं पोएम में। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा वेगारिया, ये क्या है बताइए, इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, बहुत सारे पोएम का कलेक्शन है। कितने पोएम्स है उसमें, 68 पोएम्स है, जिसमें से एक पोएम है कीपिंग क्वाइट। इसमें जो पोएम्स है उसका ट्रांसलेशन कौन किए थे, तो पोएम का, एलास्टियर रीड ने किए थे। ही वाज आल्सो अ पोएट, ये भी एक पोएट थे, इन्होंने ट्रांसलेट किए थे इनका पोएम्स का, है ना। जो स्पेनिश लैंग्वेज में था उसको ट्रांसलेट किए थे कौन, एलास्टियर रीड ने। और ये ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। और कब मिला था उनको नोबेल प्राइज, 1971। लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग का मतलब क्या है, शांत रहना, क्या रखना, रखना। कीपिंग का मतलब है रखना, और क्वाइट का मतलब क्या है, क्वाइट। देखिए क्वाइट, क्वाइट है क्यू यू आई टी ई, मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट, है ना। और क्वाइट का मतलब क्या है, क्यू यू आई ई टी, डिफरेंस देखिए, ये क्यू यू आई टी ई और ये क्यू यू आई ई टी, है ना। वो क्वाइट का मतलब क्या है,
चुप रहना या शांत? हाँ, चुप रहना, शांत रहना, चुप रहना, ये होता है क्वाइट, शांत या चुपचाप, है ना। तो कीपिंग क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप रखना, है ना। किसको चुप रखना? खुद को, अपने को, है ना। तो कीपिंग क्वाइट, क्वाइट इसके पोएट का नाम है पाब्लो नेरुदा। लेट्स बिगिन द पोएम। अच्छा पहले बता देते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर पोएम का थीम क्या है, इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा? स्टिलनेस, शांत, शांति, है ना, पीस, पीस का मतलब भी शांति होता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब सबको हम लोग भाई भाई है, ये जो फीलिंग है ये भी देखने को मिलेगा, जस्टिस और ह्यूमेनिज्म, मानवतावाद, ये सब मिलेगा इस पोएम में देखने को। तो ये सब जो थीम है क्या क्या, क्वाइटनेस, स्टिलनेस, पीस, है ना, ब्रदरहुड, ह्यूमेनिज्म, जस्टिस, ये सब चीजें हम देखेंगे जब पढ़ेंगे इस पोएम को। तो वी विल लुक एट दिस थीम्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो पोएम है ये थ्री वर्स में लिखा गया है, थ्री वर्स मतलब इसका कोई राइम स्कीम नहीं है, और स्टेंजा पैटर्न भी, मतलब स्टेंजा होता है ना पोएम में, चार लाइन का स्टेंजा होता है या आठ लाइन का स्टेंजा होता है, पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन ये जो पोएम है इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए वी कैन नॉट डिवाइड दिस पोएम इन स्टेंजाज, कितने स्टेंजा का पोएम है हम लोग नहीं बता सकते हैं। और बहुत सारे पोएट जो ट्रांसलेट किए हैं इस पोएम को, उन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से इसको क्या कर दिए है, स्टेंजा बना दिए है पोएम। तो दिस पोएम इज रिटन इन थ्री वर्स, वी कैन नॉट डिवाइड द पोएम इन स्टेंजाज। नाउ स्टार्ट करते हैं पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। किताब है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या करेंगे? एट फर्स्ट वी विल काउंट टू 12, 12 तक गिनेंगे, 1, 2, 3 करके, कितने तक? 12 तक, 12। और उसके बाद क्या करेंगे? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, इसके बाद हम लोग क्वाइट रहेंगे, स्टिल हो जाएंगे और स्टैटिक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे और मूव भी नहीं करेंगे, मूवमेंट भी नहीं होगा। तो 1, 2 करके 12 तक गिनेंगे, वी विल काउंट अप टू कितने? 12। वाई 12? क्यों 12 तक? क्यों क्यों नॉट 8, 9, 10 तक? क्यों नहीं 12 तक? क्यों? एक्चुअली 12, द नंबर 12 हैज सिग्निफिकेंस, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। कि क्यों 12 का इंपॉर्टेंस क्यों? देखिए 12 नंबर 1, एक क्लॉक का, घड़ी का जो डायल होता है उसमें कितने तक होता है? 12 तक होता है, नंबर 1, है ना। और मतलब वो क्या बताता है? समय बताता है। और समय क्या, हम लोगों का जो जिंदगी है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? समय के हिसाब से हम बताते हैं मेरा समय अच्छा चल रहा है मतलब लाइफ क्या है, ठीक है, और समय खराब है मतलब लाइफ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये 12 क्या बता रहा है? क्लॉक में एक जो डायल है उसमें क्या है, 12 तक होता है, 1, 2 करके, तो वो सिग्निफाई कर रहा है ये 12, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, एक मंथ में कितने, एक ईयर में, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, है ना। तो ये जो 12 मंथ है वो कंप्लीट करता है किसको? वो ईयर को, एक साल को कंप्लीट करता है कौन? ये 12 मंथ्स। और क्या होता है? नंबर 3, जोडियक, जोडियक में साइन कितने होता है? 12। जोडियक मतलब क्या है? राशि चक्र होता है ना, जोडियक का मतलब क्या क्या होता है? राशि, राशि चक्र होता है ना, उसमें कितने राशि होते हैं?
12 12 होता है ना, पता है ना? या 12 क्या होते हैं? साइन होते हैं। एक जोडियाक में कितने साइंस होते हैं? 12। और उसके हिसाब से क्या होता है वो राशि चक्र, जिसका जैसा होगा वैसा उनका क्या है, लक, उनका फॉर्चून, मतलब उसका मतलब डेस्टिनी, उसका नियति, उसका भाग्य वैसा ही होगा। और किसी का डेस्टिनी डिपेंड करता है किसके ऊपर? जोडियाक के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, है ना? तो ये इसीलिए पोएट क्या किए है, वो 12 को लाए है, वो 8 नहीं बोले है, 9th नहीं बोले है, 10th नहीं बोले है, क्या बोले है? 12। Now, we will count to 12 and we will all keep still. ये सिंपल सा लाइन है। उसके बाद क्या हो जाएंगे हम लोग? स्टील हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, है ना? उसके बाद देखिए, फॉर वंस, एक बार के लिए, वंस का मतलब क्या है? एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फिर से पढ़ रहा हूं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या करेंगे? एक बार के लिए कहां? ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, देखिए पोएट आर्ज कर रहे हैं किसको? रीडर्स को, जो पढ़ रहे हैं पोएम को, उनको बोल रहे हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। अब देखिए, ही एक्चुअली चिली में जो लोग रहते हैं, चिली का लोग या साउथ अमेरिका के लोग, उनको नहीं बोल रहे, या उनका लोकल पीपल, उनको नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है? फेस ऑन द अर्थ, ये अर्थ में, ये धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज है, जितने भी लोग है, सबको बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है? यूनिवर्सलिटी है ना? ये पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में जितने भी लोग है सबको बोला जा रहा है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब सिर्फ चिली में नहीं, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं, और एक दो कंट्री में नहीं, पूरा अर्थ में जितने भी कंट्रीज है उसमें जितने भी लोग है और जितने भी लैंग्वेज में बात करते हैं, सबको एड्रेस कर रहा है पोएट कि हम लोग क्या करेंगे? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, है ना? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो ये पूरा दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। द पोएट एक्चुअली अर्जेस टू द पीपल ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज फॉर वंस, एक बार के लिए बात नहीं करते, है ना? क्लियर? हाँ, यस सर। देखिए, इस जो दुनिया है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज नेशंस है ना, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनका रिलीजियन अलग होता है, होते हैं ना? लेकिन पोएट जितने भी रिलीजियन है, जितने भी लैंग्वेज है और जितने भी कल्चर है, उसमें जितने भी लोग उस कल्चर में, उस रिलीजन में, उस लैंग्वेज में बात करते हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या है? यूनिवर्सिटी लिटरेचर है और ग्लोबल सिटीजन्स को वो बोल रहे हैं। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए चुप हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और क्या करेंगे? वी विल नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एंड वी विल सीज अवर मूवमेंट, और हम लोग जो मूवमेंट है, जो हम लोग हिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसको भी रोक देंगे, है ना? एकदम स्टील हो जाएंगे और स्टॉप होके रह जाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम लोग जो आर्म्स है, आर्म्स मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब क्या है? भुजा या
बाह है ना, तो उसको भी मूवमेंट नहीं करेंगे, वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स, ए आर एम एस, आर्म्स का मतलब क्या है, भुजा या बाह है ना, द अपर साइड ऑफ आवर हैंड। तो आर्म का और एक मतलब होता है, पता है आर्म का और क्या मतलब है, Do you know? No, sir. हाँ? No. आर्मी, पता है आर्मी क्या होता है? Yeah, I mean soldier, sir. Soldier. क्या करते हैं वो लोग? लड़ाई करते हैं ना? और उसके पास क्या होता है? आर्म्स होता है. आर्म्स मतलब क्या? Weapons. क्या होता है? हथियार. होता है ना? Yes. तो ये जो लाइन है लास्ट लाइन, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, लिटरली क्या होगा, हम लोग अपना जो हाथ है, भुजा है, बांह है, उसको नहीं हिलाएंगे, है ना, उसको मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अंदर अगर घुसेंगे इस लाइन का, उस लाइन का, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इतना नहीं क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे आर्म्स का, तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट यूज एनी वेपन, वी विल नॉट use any weapon, हम लोग कुछ कोई भी arm use नहीं करेंगे, मतलब ये क्या है, this is the message of क्या, peace, शांति का एक message है ना, कि दुनिया में हम लोग कहीं भी सबको जितने भी लोग हैं कोई भी क्या नहीं करेंगे। संकेत mute कीजिए, we will not our And we will not move our arms, मतलब कुछ भी weapon हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना, मतलब दुनिया में क्या लाएंगे, शांति लाएंगे। क्लियर? Yes, sir. तो हम बोले थे ये poem का थीम, और एक थीम है क्या, peace, शांति भी इसका एक थीम है, तो क्या मिला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिल गया, शांति, peace भी मिला। अब देखिए क्या क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक क्या होता है, अनयूजुअल होता है, डिफरेंट, अलग सा, अनोखा है ना, प्लीज, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक अनोखा पल होगा, जो पल वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट मोमेंट, जिस मोमेंट के साथ हम लोग फेमिलियर नहीं है। सोचिए अगर सब कोई दुनिया में जितने लोग हैं, जितने क्रिएचर्स है, जितने एनिमल्स है, बर्ड्स है, सबको क्या करेंगे, दे विल सी स्पीकिंग, वो लोग बात नहीं करेंगे, और दे विल नॉट मूव, वो लोग क्या नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं, जहाँ जो जहाँ है सब मतलब एकदम स्टैटिक हो जाएंगे, और थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, तब जो फल होगा, जो एक्सपीरियंस होगा हम लोगों का, वो एक नया होगा ना, अनोखा होगा, जिस एक्सपीरियंस से हम लोग परिचित नहीं है, वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट एक्सपीरियंस, क्यों, क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ, दिस इज द एज ऑफ क्या, मशीन्स है ना, ये मशीन का एज है, ये जो मॉडर्न एज है, ये मशीन का एज है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, इसमें क्या है, इंडस्ट्री बहुत सारे हो रहा है, मैकेनाइजेशन का एज है ना, इसमें क्या है, सब कोई बिजी है, जितने भी लोग है हमेशा के लिए बिजी रहते हैं, है ना, दौड़ते रहते हैं, वी आर बिजी इन रेट रेस, ये दिस इज द एज ऑफ स्पीड है ना, सब कोई घूमते रहते हैं और मूव करते रहते हैं, कोई भी शांत नहीं है, शांत बैठे नहीं है। तो ये जो एज है, इसके साथ क्या करने के लिए, चलने के लिए हम लोग को बिजी रखना पड़ता है सबको, है ना, तो दिस इज द एज ऑफ मैकेनाइजेशन, दिस इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, रेट रेसिंग मतलब चूहा की तरफ हम लोग दौड़ते रहते हैं, दौड़ते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, रास मतलब भागना दौड़ना, आर यू एस एच, रास का मतलब भी भागना दौड़ना होता है, पेस, पी एस ई, पेस मतलब गति, स्पीड, स्पीड का मतलब भी गति,
तो दिस इज द एज ऑफ पेस रास है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेकानाइजेशन, तो ये सब होते रहते हैं इस एज में, इस मतलब टाइम में, जिस टाइम पे हम लोग जीते हैं। तो जब सबको साउंड नहीं आ रहा है सर, लेट्स कंटिन्यू। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, दिस इज व्हाई द पोएट इज द पोएट सेज दैट दिस विल बी व्हाट एन एग्जॉटिक मोमेंट, एक अनोखा पल होगा, अनयूजुअल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट से, इस पल से वी आर नॉट फेमिलियर, हम लोग परिचित नहीं होंगे, है ना। विदाउट रास, विदाउट इंजिन्स, RUSH, इसका मतलब क्या है? भागना दौड़ना होता है, स्पीड पेस, ये होता है रास। तो जिसमें क्या नहीं होगा, रास नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, पेस नहीं होगा, हम लोग शांत हो जाएंगे। तो उस मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वी विल बी ऑल इन द यूनिवर्स, इन द अर्थ विल बी साइलेंट एंड विल बी विदाउट मूवमेंट, है ना, किसी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। विदाउट इंजिन्स, विदाउट इंजिन्स, जहां इंजिन होगा वहां क्या होगा? रास होगा, वहां पेस होगा, वहां स्पीड होगा, है ना। इंजिन जहां होगा वहां स्पीड होगा। तो ये जो दुनिया है, आज का दुनिया है ये मशीन्स का, हम बोले थे पहले क्या है, मशीन्स का दुनिया है, और मशीन चलता है किससे? इंजन से। तो ये जो पल होगा, वो जो पल, जिस पल का बात कर रहे हैं पोएट, वो पल होगा विदाउट रास, जिसमें भागना दौड़ना नहीं होगा, जिसमें इंजन नहीं होगा, एक भी इंजन नहीं चलेगी, है ना, एक भी मशीन नहीं चलेगी। विदाउट इंजन, विदाउट रास। We would all be together. We will all be together. फिर से आ रहा है क्या? ये brotherhood, ये universal brotherhood. We will all be together. We मतलब the people of the earth. ये पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, सब कोई। तो we will, video off कीजिए। We will, sorry. We would all be together. हम लोग सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन मतलब क्या? अचानक। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है? स्ट्रेंज मतलब जो अपरिचित होगा, जिसके साथ हम लोग परिचित नहीं होंगे, ये एक्जोटिक जो होता है उसी का मीनिंग है स्ट्रेंजनेस, जिसमें जिसके साथ हम लोग परिचित नहीं है, अपरिचित है। तो टुगेदर हो जाएंगे। अभी देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, वी आर नॉट टुगेदर, हम लोग एक नहीं है, ये हकीकत है, दिस इज रियलिटी, बिकॉज वी स्पीक इन मैनी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं दिस इज माई लैंग्वेज एंड दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज। बाकी सारे लोग क्या बोलेंगे? दिस इज माई लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज। सबको बोलेंगे ये हमारा लैंग्वेज है, हम लोग बात करते हैं इसमें, तो ये बेस्ट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज से बांटा गया है कल्चर, कल्चरल डिफरेंस बहुत सारे हैं, है ना, कल्चरली पीपल एक नहीं होता है, है ना। रिलीजियन, धर्म, धर्म से भी सबको बहुत सारे, मतलब बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजियन है दुनिया में, तो हम लोग क्या है, अलग अलग है। और हम लोग बोलते हैं जो हमारे धर्म के लोग है ये अपना है, बाकी सब धर्म के लोग अपना नहीं है, ये बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू।
We are the flowers of we. All the people of this universe are the flowers of the same garland. All the people of this universe are the flowers of the same garland woven with a single thread. मतलब क्या है? एक ही माला का क्या है? फूल है हम लोग सब. और एक ही धागा से क्या? वो माला क्या गया है? बना है. एक ही धागा से सब कोई जुड़े हुए हैं. ये हम लोग को रियलाइज करना होगा. कब हम लोग रियलाइज कर पाएंगे? कब ये रियलाइज कर पाएंगे? जब क्या हो जाएंगे? हम लोग शांत हो जाएंगे. हम लोग बात नहीं करेंगे. कुछ देर के लिए चुप रहेंगे और सोचेंगे. चुप रहना मतलब कुछ नहीं करेंगे, मतलब फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वी विल थिंक, वी विल इंट्रोस्पेक्ट, मतलब खुद को देखेंगे, अपनों को देखेंगे. और वी विल रियलाइज आवर सेल्फ. हम लोग जो आत्मा है, सेल्फ है, उसको रियलाइज करेंगे और सोचेंगे क्या चाहते हैं हम लोग और हम लोग कौन है. तब क्या होगा? तब लगेगा जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब कोई क्या है? अपना है. हम लोग सब एक ही है. दिस इज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इस पोएम में आया है. तो वी वुड ऑल बी टूगेदर. सबको एक साथ हो जाएंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, है ना. और ये जो तब क्या लगेगा कि ये स्ट्रेंज मोमेंट है, मतलब ये इसके साथ हम लोग परिचित नहीं है. अचानक वो मोमेंट आ जाएगा. अब सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि अगर ऐसा हो जाएगा कि सब कोई बात करना बंद कर देंगे, मूवमेंट बंद कर देंगे और सोचेंगे ये दुनिया में हम लोग क्यों आए हैं और हम लोग कौन है, क्या चाहते हैं. सबको अगर सोचेंगे एक साथ तो क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या दुनिया में एक चेंज आएगा, धरती पे एक चेंज आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी. अब देखिए क्या बोले थे पिछले लाइन में, वी विल ऑल बी टुगेदर, वी विल नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, एक साथ हो जाएंगे सब कोई, बात नहीं करेंगे और मूवमेंट भी नहीं करेंगे. क्या क्या चीज नहीं करेंगे ये बता रहे पोएट. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, इन द कोल्ड सी, कहाँ मछली पकड़ते हैं? कोल्ड सी, मतलब समुन्द्र में. और कोल्ड सी ठंडा, उसका पानी क्या है? कोल्ड है. वुड नॉट हार्म व्हेल्स, उसका काम क्या है? व्हाट डज अ फिशरमैन डू? हाँ, मछली को पकड़ना. हाँ, तो फिशरमैन क्या करते हैं? He catches fish and sells it in the market and earns his livelihood. क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं और उनका लाइवलीहुड, उसको क्या मिलते हैं? जीविका वो क्या करते हैं? निभाता है, मतलब अपना लाइफ को चलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं. तो ये फिशरमैन का क्या है? काम है. जब उस मोमेंट में, उस पल में क्या करेंगे? He will not catch fish. वो मछली पकड़ेंगे नहीं. और ये क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ एक whales का नाम दिया है. Whales is not a fish. Actually, it's a mammal. Mammal मतलब क्या होता है? Animals which breastfeed their cubs. जो एनिमल क्या करते हैं? अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड, मतलब मिल्क पिलाते हैं, वो होता है mammals, है ना. तो ये व्हेल्स जो है, दिस इज नॉट अ फिश, दिस इट्स अ ममल, जो पानी में रहता है. व्हेल्स पता है बहुत सारे, पानी का सबसे क्या है? बिगेस्ट ममल है दुनिया का, ये व्हेल्स. वो ब्लू व्हेल जो है वो होता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ममल, है ना. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. He will not harm. Harm मतलब चोट पहुंचाना. किसको? Whales को चोट नहीं पहुंचाएंगे. कौन? Fisherman.
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और वो आदमी मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो क्या कहते हैं सॉल्ट गैदर करते हैं, सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ बनता है, समुंदर में बनता है सॉल्ट, है ना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो आदमी जो सॉल्ट नमक, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, नमक बनाते हैं, वुड नॉट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, उसका जो हॉट, हॉट मतलब क्या है, जो उंडेड हैंड, तो समुंदर का पानी जो होता है उसमें जब जाके सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट कलेक्ट करता है, तो क्या होता है, उसका हार्ट जो है हाथों को क्या पहुंचता है, चोट पहुंचता है, उंडेड हो जाता है वो हाथ। लेकिन ही हैज नॉट, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज द एज ऑफ स्पीड मशीन्स, इसमें सबको बिजी रहते हैं, ये जो सॉल्ट गैदरिंग मैन है इसके पास टाइम नहीं होता है, क्या करने के लिए, अपना हाथों की तरफ देखने के लिए, हाथों की तरफ ध्यान देने के लिए, वो क्या करते हैं, सॉल्ट गैदर करते रहते हैं, सॉल्ट कलेक्ट करते रहते हैं, सॉल्ट बनाते रहते हैं, नमक बनाते रहते हैं। तो ही डज नॉट हैव टाइम टू लुक एट हिज हैंड्स, क्योंकि उसको जीना है, सॉल्ट कलेक्ट करेंगे तो वो जी पाएंगे, तो उसके पास टाइम नहीं होता है अपना हाथों को, क्या हाथों का ध्यान रखने के लिए, उसको ख्याल रखने के लिए। इसलिए वो जो पल होगा जब कोई कुछ नहीं करेंगे तो उसको टाइम मिलेगा, और क्या करेंगे वो, he will look at his hot hands, उसका जो चोटिल हाथ है उसके तरफ देखेंगे, कौन, the salt gathering man, है ना। यहाँ तो क्या है, कंप्लीट, मतलब क्लियर है, यस सर। अच्छा कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइए। तो इसमें क्या है, देखिए हार्मोनी बिटवीन ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, क्या करते हैं, जो ऑप्रेस्ड, जिसके जिसके ऊपर क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, जिसके ऊपर एक्चुअली जिसको हम दबा के रखना चाहते हैं वो हो जाते हैं ऑप्रेस्ड, और जो शोषण करते हैं वो हो जाते हैं ऑप्रेसर। तो ये जो है व्हेल और फिशरमैन, फिशरमैन क्या होता है, वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली को मारते हैं, है ना, उसको चोट पहुंचाता है, तो फिशरमैन बिकम्स यार क्या, ऑप्रेसर, और ऑप्रेस्ड कौन हो गया, वो फिश हो गया ऑप्रेस्ड। तो दो टाइप के लोग है, है ना, एक हायर क्लास एक लोअर क्लास, हमेशा क्या होता है, हायर क्लास पीपल दे टॉर्चर द लोअर क्लास पीपल इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं टॉर्चर करने का, तो उसमें टॉर्चर करते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, तो उस मोमेंट में क्या होगा, जो पावरफुल लोग होंगे वो भी, जिनके पास पावर नहीं है उनको क्या नहीं करेंगे, तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, है ना, ऑप्रेस नहीं करेंगे, सब कोई शांत रहेंगे। तो ये एक हारमोनी हो गया बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, है ना, कोई कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब देखिए ग्रीन वार क्या होता है, बायोलॉजिकल बहुत सारे होता है, वेपन आ गया है, जैसा है कोरोना वायरस, अगर ये कहाँ हुआ, चाइना का लैब में क्या हुआ है, इसका बनाया गया है, अगर तो ये हो गया बायोलॉजिकल वेपन, है ना, ये ग्रीन वार, ये बायोलॉजिकल वेपन को क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल जो आर्म होता है, वेपन होता है, उसको एक्चुअली रिफरेंस कर रहा है, कौन, ये ग्रीन वार्स, और क्या हो सकता है, ग्रीन वार, वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसको, इसका क्या कर रहा है, ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट ऑफ नेचर, नेचर का हम क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑनस्लॉट उसको अटैक कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न एज है, इसमें क्या होना चाहिए, बहुत सारे चीजें, फैक्ट्रीज होना चाहिए, मशीन बिटना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए,
और ये जो इंडस्ट्री हो रहा है, फैक्ट्रीज बन रहा है, इसमें लॉस किसका हो रहा है? नेचर का. किसका? नेचर का. इसलिए क्या हो रहा है? नेचर का डिग्रेडेशन हो रहा है. नेचर का डिकेडेंस हो रहा है. डिग्रेडेशन, डिकेडेंस मतलब विनाश हो रहा है, उसका क्षति हो रहा है नेचर का. और नेचर का जब डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, उसका डिकेडेंस हो रहा है, तब क्या हो रहा है? तब नेचर, नेचर में कुछ हलचल हो रहा है, और उसके वजह से ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जैसा अर्थक्वेक, जैसा सुनामी हो रहा है ना, जैसा ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन. हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं और नेचर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, और इसीलिए ये सब ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी और ये अर्थक्वेक, ये सब ज्यादा हो रहा है, और बहुत सारे बीमारी भी आ रहा है. तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स मतलब ये जो है नेचर के साथ जो वार हो रहा है ना, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, ये जो वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर है, ये केमिकल वार्स को, न्यूक्लियर जो वेपन है उसको डिनोट कर रहा है. क्या? वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, दीज एक्सप्रेशंस डिनोट केमिकल वार्स और न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है. अब देखिए, राइटर जो है कौन है, पाब्लो नेरुदा, उनका जन्म हुआ था 1904 में और उनका मृत्यु हुआ था 1973 में. देखिए 1904 में उनका जन्म हुआ था, उनका डेथ हुआ था 1973. मतलब इन्होंने क्या किए थे, He has experienced both world wars. दोनों जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 1939 में, ये दोनों को एक्सपीरियंस किए थे कौन? पाब्लो नेरुदा. और 1945 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, जापान का हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, तो बॉम्ब गिराया गया था ना. हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे. तो ये भी देखे थे कौन, एक्सपीरियंस किए थे कौन, पाब्लो नेरुदा. इसीलिए बोल रहा है ये जो वार से, ये जो वार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है विथ गैस, विथ फायर मतलब केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स. विक्टोरी मतलब क्या होता है, जीत है ना, विक्टोरी मतलब क्या होता है, जीत. विथ नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो जिंदा है, अभी भी जिंदा है, जीवित लोगों, सर्वाइवर्स मतलब जीवित लोग. तो वार में क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है, कहता है ना वार में. तो जो बांचे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं सर्वाइवर्स. अब देखिए, बहुत सारे अगर लड़ाई होगा, बहुत सारे वार्स होगा, तो क्या होगा, विक्टोरी तो होगा एक, मतलब कुछ लोग तो जीतेंगे, एक साइड जीतेंगे, एक साइड हार जाएंगे, तो विक्ट्री होगा, जीत होगा, लेकिन बचेंगे कौन, जो अपोजिट में होंगे वो सब तो मर जाएंगे, तो सर्वाइवर बचेंगे नहीं, मतलब कोई सर्वाइवर नहीं होंगे, कोई जीवित लोग नहीं होंगे, जीतेंगे लेकिन जीवित लोग नहीं होंगे. अब फिर से पढ़ रहा हूँ ये तीन लाइन को, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज वो सब लोग जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मतलब क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, ग्रीन वॉर्स. जो लोग नेचर के साथ लड़ाई करते हैं, मतलब नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब इसमें हम लोग भी शामिल है, जो क्या करते हैं, वॉर्स विथ गैस,
जो प्रिपेयर वार्स विथ गैस, जो लोग क्या करते हैं क्रिएट करते हैं वार, वो केमिकल वेपन लेके लड़ाई करते हैं। मतलब किसका बात किया जा रहा है, जो डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर ऑफ वार्स, जो कंट्रीज का हेड होते हैं, जो देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो लोग होते हैं देशों का, वो सब क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वार होगा या नहीं, लड़ाई होगा या नहीं। तो उसको बोला जा रहा है ये जो लोग है द डिक्टेटर्स ऑफ वार्स, द प्रेसिडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर्स, जो लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं ना लड़ाई होगा या नहीं एक देश के साथ दूसरा देश का, हम लोग डिसाइड थोड़ा ही करते हैं। तो उनको तो विजय विजय होगा, मतलब जीत होगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, कोई बचेंगे नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, आप क्या करेंगे, ये जो पल, जिस पल का बात, एक मोमेंट का बात किया जा रहा है इस पोएम में, पूरा पोएम में एक मोमेंट का बात किया जा रहा है, जिस मोमेंट में क्या करेंगे, लोग बात नहीं करेंगे और मूवमेंट नहीं करेंगे, जो अपना काम है वो कोई भी नहीं करेंगे, सब कोई शांत रहेंगे और विदाउट मूवमेंट रहेंगे। तो ये जो लोग है, जो डिक्टेटर्स ऑफ वार्स, जिनके वजह से लड़ाई होता है, जो बोलते हैं कि आप लड़ाई होगा, है ना, वो लोग भी क्या करेंगे, वुड पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन द डिक्टेटर्स क्या करेंगे, वेयर, पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्लीन क्लॉथ्स। अब देखिए जो लोग जाते हैं लड़ाई में, तो उनका जो क्लॉथ्स होते हैं, उनका जो ड्रेस होते हैं, वो खून से क्या होता रहता है, खून, खून का मार्क होता है उसका क्लॉथ्स में, है ना, खून का क्या होता है, मार्क होता है उनके क्लॉथ्स में। तो ये जो डिक्टेटर लोग है, ये लोगों का जो क्लॉथ्स है वो सफेद नहीं है, क्लीन नहीं है, लेकिन उस दिन क्या करेंगे, उस पल में, उस पार्टिकुलर मोमेंट में, ये लोग भी क्या करेंगे, पुट ऑन, वेयर करेंगे क्लीन क्लॉथ्स, एकदम साफ सुथरा क्लॉथ्स पहनेंगे, है ना, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और क्या करेंगे, वो लोग वॉक करेंगे, वॉक करेंगे विथ देयर ब्रदर्स, उनका जो भाई लोग है उनके साथ वो क्या क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए वॉक करेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, कहाँ, शेड पे, छाए पे, छाया पे वो लोग वॉक करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब वो लोग सोचेंगे नहीं क्या किस कंट्री के साथ लड़ाई करना है, किसको दबा के रखना है, किसको अटैक करना है, है ना, तो ये सब नहीं सोचेंगे वो लोग, दे विल वेयर, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड दे विल क्या करेंगे, वॉक विद देयर ब्रदर्स, मतलब ब्रदर्स का मतलब क्या है, दे आर वो रिश्ते में जो ब्रदर्स थे वो नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको बोला जा रहा है, दे विल वॉक टूगेदर, दे विल वॉक एक साथ, वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए शेडो पे, छाया पे, शेड पे क्या करेंगे, वॉक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा पोएम का, ये अगले दिन मतलब कल पढ़ लेंगे हम लोग, और कल कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे इस पोएम से, है ना, ओके सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर।